तो आज भंडारा बना है गाइस। कलेश करा दी, हमारा आइटम रास्ते में आ रहा है। ये देखो रास्ता क्या मतलब एकदम जो लग रहा है तेरे पापा की तरह ही निकलेगी। तो भाई अभी हम अपनी मतलब फाइनल जो लोकेशन है हमारी उससे अराउंड 8.6 किलोमीटर दूर है। तो मतलब जो भद्राज टेंपल है जहाँ पे हमें जाना है ट्रैकिंग करके। और अभी हम वेट कर रहे थे पीछे मतलब जो हमारे साथ में हैं दोनों, तो वो गाड़ियाँ अभी आ चुकी हैं। तो अब चलते हैं आगे। एक आई अभी जो दूसरी आने हैं। और ये आप लोग देख सकते हो सामने दो रास्ते कट रहे हैं, इसलिए हम मतलब रुक गए थे पहले ही कि कौन से पे जाना है ताकि मतलब सब साथ में जाएं आराम से। तो उधर वाले ऊपर वाले पे हमें जाना है, तो अब चलेंगे वहीं पे। और ये जा रहा है रास्ता भद्राज टेंपल, और नीचे वाला गया है सनसेट पॉइंट। उधर भी कोशिश करेंगे, उधर नीचे सनसेट पॉइंट का रास्ता बता रहे हैं, तो उधर कोशिश करेंगे कि आ जाएं, थोड़ा आपको शाम का नज़ारा दिखाएंगे कैसा सनसेट वगैरह रहता है। तो कोशिश करेंगे जाने की, बाकी तो देखते हैं। ये ज्वाला देवी मंदिर का बोर्ड तो यहाँ लगा हुआ है लेकिन सब बताते हैं कि मंदिर दिखता नहीं है। ये पूरी जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, हर जानवर है इसमें, और ट्रैकिंग भी है। जो ज्वाला देवी हम अभी मंदिर कह रहे थे ना कि मंदिर तो है नहीं, बोर्ड ही रहता है, तो ट्रैकिंग है 4 किलोमीटर की, पहाड़ी की चोटी पे है मंदिर। ऑफ कैमरा बात कर रहे थे तो एक बार आप ऑडियंस के लिए बता। उसका जो है नीचे फॉरेस्ट का जो है ऑफिस है, वहाँ से पर्ची कटती है और तब जाते हैं ट्रैकिंग करते हुए। मतलब ये नेचर लवर के लिए है जगह सारी जितनी भी है ये, क्योंकि रास्ते भी आप देख रहे हो कि भाई थोड़ा टिपिकल है। और मतलब रास्ते भी देखोगे तो मतलब काफ़ी पतले से ही रास्ते, मतलब एक गाड़ी एक बार में निकल पाती है। आपको थोड़ा साइड वाइड लगा के अभी जैसे कंडीशन आ गई कि सामने से भी गाड़ियाँ हैं और हमारी भी गाड़ी, तो हम ऑफकोर्स साइड में लगाएंगे, तो मतलब थोड़ा आप अच्छे से कर पाते हैं उस चीज़ को मैंने, तो उस हिसाब से आए। हाँ मतलब अपना फिर या तो 2-व्हीलर से आए ताकि मतलब आराम से निकल जाए, या फिर अगर 4-व्हीलर से आ रहे हैं तो उसके लिए आपको थोड़ा होना चाहिए उसमें। रास्ते थोड़े नैरो हैं, नैरो भी हैं और चढ़ाई भी है, थोड़ा कहीं कच्चा है कहीं पक्का है, मतलब ऑफ रोडिंग भी नहीं कह सकते लेकिन ऑफ रोड जैसी ही फीलिंग है। तो भाई अभी हम यहाँ पर पहुँच गए हैं। अभी मैप वैसे भद्राज टेंपल के लिए बता रहा था कि 5-6 किलोमीटर और आगे है, और इधर वैसे ये रास्ता जा रहा है ये वाला, लेकिन गाड़ी के लिए आप देख सकते हो भाई इतनी पतली सी जगह है, तो ऑफ कोर्स गाड़ी निकलनी थोड़ी मुश्किल है। तो अभी पापा और दोनों अंकल गए हैं इधर साइड में देखने कैंपिंग के लिए लोकेशन। हिम्मत करके और भगवान का नाम लेके चढ़ा दी अपनी गाड़ी यहाँ। जय भोले शंकर, जय भोले शंकर, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, शिवाय 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 भोले शिवाय, ओम नमः शिवाय शंकर, ओम चलो शिवाय शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय शिवाय शिवाय, जय भोले शंकर। सब ये देखो रास्ता क्या मतलब एकदम तगड़ा वाला बोल रहे हैं।
भाई फाइनली हम अपनी कैंपिंग लोकेशन पर पहुंच गए हैं और मैंने दिखाया रोड कितना ज़्यादा नैरो था, मतलब बहुत ज़्यादा हिम्मत करके यहाँ पे आना पड़ा। और अभी हमने अपनी गाड़ियाँ इधर खड़ी कर दी हैं और ये आप लोग देख सकते हो यहाँ पर सब खड़े हैं, हम्टी कैंपिंग कम्फर्ट स्टे, ये है यहाँ पर लोकेशन और ये उधर पूरा ग्राउंड ही ग्राउंड है इनका। और देखते हैं किधर सेटअप वगैरह करेंगे अपना, वो तो अभी देखते हैं। तो भाई फाइनली कैंपिंग लोकेशन अपनी यही रहने वाली है, डिसाइड हो चुका है। भद्रास टेंपल यहाँ से थोड़ी दूरी पर है लेकिन वो इस रोड के थ्रू जाना पड़ेगा और रोड है बहुत ज़्यादा नैरो, तो हमारे साथ जितने भी लोग थे भाई सब ने मना कर दिया, गाड़ी तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है एंड पैदल जाना भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि ट्रैक है और अभी थके हुए आए हैं ऑलरेडी ट्रैवल करके काफ़ी अच्छा खासा। तो अभी भाई प्लान है कि यहीं पर अपना कैंप वगैरह करते हैं, अपना मतलब जितना भी सेटअप वगैरह वो कर लेते हैं। कैंपिंग लोकेशन डिसाइड हो चुकी है और ये पेड कैंपिंग लोकेशन है बट रेट्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा मिनिमल हैं। जगह मैंने आपको दिखा दी है, हम्टी कैंपिंग कंफर्ट स्टे के नाम से है और काफ़ी मिनिमल मतलब वो हैं, अगर आप लोग भी इन केस करना चाहते हो तो आ सकते हो, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये अंकल ने निकाला है अपना आइटम बेड, नया आइटम एकदम आइटम बता रहे अंकल तो तो भाई ये अभी जो हमने अमेजोन से अपना वॉशरूम टेंट ऑर्डर किया था उसको आज हम पहली बार ओपन करने वाले हैं, लेके चलते हैं जल्दी से इसका क्विक सेटअप। हैमर ले लिया, हैमर हैमर आ रहा है, हमारा आइटम रास्ते में आ रहा है, मतलब अमेजोन से आ गया है, बाकी पापा रास्ते से आ रहे हैं। इधर से उतर जाता, आराम से आ जाओगे। उतरने का यहाँ से था बेटा, कहाँ से कहाँ से? तो भाई ये क्योंकि पॉप अप होके खुल जाता है तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि पॉप अप होके खुल जाता है तो काफ़ी ज़्यादा क्विक इजी सेटअप है इसका, बस आपको हैमर वगैरह से सिक्योर करना पड़ेगा। हवा बहुत ज़्यादा तेज है क्योंकि अभी चलने में थोड़ा ना, बस भाई घुसने वाला इधर से रखूँगा। तो इधर से रखो, किधर से? तो अभी हमने सेटअप तो कर दिया है इसको, लेकिन अभी क्योंकि ये उड़ सकता है तो इसको पूरी तरीके से नेल से सिक्योर करेंगे, बट अभी पहले मम्मी को इसे यूज करना, पहले मम्मी उद्घाटन कर ले जाओ। तो वो सेटअप हमने कर दिया था, उद्घाटन भी हो चुका है तो इसका, और ये इसके नेल्स और रोप आई है इसके अंदर, और मैंने आपको पिछली वाली वीडियो में खोल के नहीं दिखाए थे आइटम्स, केवल ऐसे ही दिखा दिए थे कि हमने कैसे मंगवाया है। तो ये कुछ इसकी क्वालिटी है, नेल्स की क्वालिटी मुझे थोड़ी सी हल्की लग रही है क्योंकि थोड़ी पतले पतले नेल्स हैं, बाकी हाँ वॉशरूम टेंट के हिसाब से आई थिंक मतलब चल जाएंगे। और ये इसके लिए रोप आई हैं भाई। फाइनली अपना ये टेंट तो सेटअप हो गया वॉशरूम का, पूरा नेल्स वेल्स से सब सिक्योर कर दिया, अब जाके करते हैं अपना सोने का इंतजाम। मतलब अभी सोना नहीं है, अभी तो धूप भी निकल रही होगी पीछे देख सकते हो, बट हाँ सोना तो फाइनली एट द एंड पड़ेगा ही हमको, तो आओ जल्दी से फिर उसका भी सेटअप कर ले। हाँ तो भाई ये है अपना डीकैथलॉन का 4% टेंट जो कि हमने अमेजोन से ऑर्डर किया था रिसेंटली, लास्ट वाली वीडियो में मैंने आपको दिखाया भी था, आज इसको हम सेटअप करेंगे पहली बार, तो जल्दी से करते हैं फिर इसको सेटअप। हाँ तो भाई अभी हो चुका है अपना विश्राम गृह तैयार थोड़ी मेहनत तो लगी है बट हो गया, और धीरे धीरे जैसे मतलब आप इसके साथ में एक्सपीरियंस मिलता जाएगा उतनी जल्दी आप सेटअप कर लोगे। तो अब इसको बस एक मतलब मजबूती दे देते हैं उससे काट के। तो भाई बाकी काम हमने कर लिए, अपना सोने का कर लिया, जाने का कर लिया, अब खाने का कर लिया। तो आज हम बना रहे हैं, मेन्यू डिसाइड हो गया तीनों किचन में। भाभी जी बना रही हैं सांभर इडली, वो भाभी बना रही है गोभी का पराठा, और मैं बना रही हूँ आलू पूरी यानी दावत वाली वो थोड़ी सी सब्जी, कोशिश करेंगे बनाने की, और पूरियाँ। तो मेन्यू डिसाइड, सब आ जाओ डिनर करने। तो भाई अब अपना अगला काम है कि हमको करना है लाइट का सेटअप, तो एक एक करके जितनी भी चीज़ें हैं, ये बल्ब इसको बाहर निकाल के रख देते हैं, अभी तो फिलहाल नहीं लगाएंगे, पहले फेरी लाइट का करेंगे। तो इसको मैंने यहाँ ऊपर रख दिया फिलहाल, फेरी लाइट निकालते हैं एक एक करके, खोलते हैं इसको। तो भाई ये एक एक करके हमने फेरी लाइट निकालनी शुरू कर दी है, और ये इस तरीके से डबल ए बैटरी से
काम करते हैं। हाँ तो भाई ये क्या चल रहा है किचन में? ये चल रहा है खाने की तैयारी। तो जैसा मैंने बताया था आपको कि आज हम बनाने वाले हैं पूरी और सब्जी, तो अब मैं बना रही हूँ सब्जी की तैयारी कर रही हूँ, आलू की भंडारे वाली सब्जी। कोशिश है जारी कि चटपटी वाली बन जाए। और उसके बाद देखो ये मेरे आलू उबल चुके हैं, टमाटर गला रही हूँ मैं, सब आटा मलेंगे और गर्मा गर्म पूड़ियाँ सेकेंगे और मस्त डिनर बनाएंगे। तो आज भंडारा बना है गाइस। जैसे कि यहाँ पर थोड़ा सा पानी की दिक्कत है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो किस तरीके से पानी का मैनेजमेंट किया जाता है। ये अंकल हैं जो नीचे से पानी लेकर आते हैं, देख सकते हो उन्होंने यहाँ पर इसमें कंटेनर में रखा है। तो ये पूड़ी का मैं आटा तैयार कर रही हूँ, मसाला पूड़ी बना रही हूँ मैं। इसमें मैंने अजवाइन, कसूरी मेथी और हींग ये सब चीज़ें डाली है और पूड़ियाँ बनाएंगे गर्मा गर्म। लड़ाई करा के कितने खुश हैं। अरे भाई तो मिल जाएगी, वो भी तो मिल्क से ही बना हुआ है। कलेश करा दी भाई, कलेश कराने में आदमी तैयार रहता है हमेशा। मिल्क केक लेके गया था, वो तो दूध का भी बाप है। आज मैं पीऊंगी और तुम्हें नहीं दूंगी। यार मैं अपने उसमें सफल हो गया। मैंने बहन जी से कहा था कि आप चिल्ला के बोलना, अगर भाई साहब सही से बोले तो समझ लिए। मतलब लोग लफड़ा सॉल्व कराते हैं, ये उल्टा लफड़ा करा रहे हैं। चिंता मत कर, अभी इनकी जिंदगी में भी लफड़ा होने वाला है। तो भाई अभी हमने सोचा कि ऊपर जाके वहाँ पे बोन फायर करेंगे रात को, तो उसके लिए प्लान बनाया। तो उधर हंडोरे अंकल हैं, उन्होंने लकड़ी निकाली है और अब लेके चलते हैं ऊपर। हाँ मतलब हमने काटी नहीं है कोई भी लकड़ी, यहाँ पे कोई भी पेड़ वगैरह को नुकसान नहीं पहुँचाया भाई। ऑलरेडी नीचे पड़ी हुई लकड़ियाँ हमने बीनी है और उन्हीं को लेके चल रहे हैं। तो भाई अगर आपको लगता है कैंपिंग बहुत आसान है तो नहीं है। मतलब थोड़ा मेहनत लगती है बट आउटकम बहुत मस्त लगता है। मतलब भाई वही है, मेहनत का फल मीठा होता है। तो लकड़ी हमने सारी ये देख सकते हो, इधर देखो ये सारी लकड़ियाँ उधर मैं नीचे से लेके आया हूँ उठा के, एक एक बार ऊपर चढ़ चढ़ के। आपको मतलब आपको शायद लग रहा हो कि वैसे ही करें बट काफ़ी अच्छी खासी मेहनत लगती है और सांस भी देख सकते हो मेरी फूल रही है इस टाइम पे। तो ठीक ठाक भाई मेहनत करिए, अब इनको लेके जाएंगे ऊपर और फिर मज़ा लेंगे अपने बोन फायर का। और अच्छा हुआ मैं कैमरा लेके नहीं गया था क्योंकि हाथों हाथ में भी भाई लग गई थोड़ी सी, तो इसी का नाम भाई ज़िंदगी है। तो भाई हमने तो अपनी किचन में दिखाया था कि आलू टमाटर और वो क्या नाम है पूड़ी बन रही है, मसाला पूड़ी। और इधर आंटी के किचन में आंटी क्या बन रहा है आप बताइए? गोभी के पराठे। गोभी के पराठे, गोभी के पराठे खिलाएंगे। चलो बढ़िया है। हाँ तो आंटी आपकी किचन में क्या बन रहा है आप? इडली सांभर। इडली सांभर मल्टी मिलेट्स वाली इडली। अच्छा और ये सांभर, बढ़िया एकदम एकदम हेल्दी। तो भाई आज मज़ा आने वाला है। इधर भंडारे वाली आलू टमाटर की सब्जी और पूड़ी बन रही है और इधर साइड में गोभी के पराठे बनेंगे और उधर अपने इडली सांभर। तो बहुत मज़ा आने वाला है भाई आज तो। जगमग है आज तो, आनंद आनंद ही आनंद है और माहौल भी बढ़िया है। और क्या चाहिए, कैंपिंग में बढ़िया माल मिल जाए खाने को और माहौल बढ़िया मिल जाए, यही तो कैंपिंग है। तो बन गई है हमारी सब्जी, ये देखिएगा कलर है ना दावत वाला। अरे भाई पूड़ी फूल जाए जैसे कभी कभी प्रकाश गाल फुलाता है। अच्छा मैं गाल फुलाता हूँ और मतलब भाई मेरे को किया जा रहा है यहाँ पे काफी ज्यादा बदनाम। मैं नहीं खेलूंगा, मैं उठ के चला जाऊंगा। इसने ऐसे आधा मुंह फुलाया जैसे तू आधा मुझसे गुस्सा रहता है आधा हंसता रहता है, ऐसे आधा आधा फुला रहा है। शक्ल बन गई अभी पूरी, अब दूसरी डालते हैं, देखते हैं इसका मुंह तेरे पापा की तरह फूलता है या नहीं। पापा तो अभी गहन चिंता में लग रहे हैं, हमको पता नहीं क्या सोच। देखो जरा देखो दूसरी पूरी डाल रही हूँ मैं, देखते हैं हम ये तेरे पापा की तरह फुलाती हूँ या नहीं। फूला अभी पता चलेगा, दिखाओ
दिखाओ कैमरा, लाइट करो, फोकस हो रही है, कैमरामैन फोकस करो लाइट। ये तो लग रहा है तेरे पापा की तरह ही मुंह फुलाएगी। इसने भी आधा ही फुलाया शायद। क्या ये पूरा फुला पाएगी? हमारे साथ आप कैसे कॉपीराइट दिलवाना चाह रहे हो क्या हमको? भाई कुछ नहीं, मैं सेंसर कर दूंगा। देखते रहिए अभी तक। हाँ अब ठीक है, कल तक देखिए, कल तक नहीं परसों तक। इसका भी मुँह आते ही फुला है, इसका मतलब पूरी इनकी नहीं है, ये मेरी है। आपका भी आते ही फुलता है ना? हाँ वो पिछली बार, पिछली वाली वीडियो में था उसे, है ना? तो मछली सी बन रही है। अरे वो यहाँ बन रही है, ये आँच सही ना लग पा रही इसको। तो भाई अभी सबके किचन में सबका खाना बन चुका है और अब एक साथ बैठ के यहाँ पे अपना डिनर करेंगे हम, मस्त एकदम बढ़िया, मज़ा आने वाला है। भाई ये अपनी आलू की सब्जी और यहाँ पर हैं ये पूड़ियाँ, इसमें हैं गोभी के परांठे और हाँ इधर गोभी के परांठे हैं और इधर हैं ये इडली, इडली और सांभर। तो भाई इसी के साथ हमारी आज की मस्ती होती है समाप्त और आज का ये व्लॉग हम करेंगे यहीं पर एंड। बुरा लग रहा है, बुरा लग रहा, मार दिया ऐसे, नीचे कौन उतारता है? मैं सोच रही गले में डाल दूं तेरे। हाँ तो भाई इसी के साथ हमारी आज की मस्ती तो होती है समाप्त और आज का व्लॉग भी करेंगे हम यहीं पर एंड। मिलते हैं आपसे नए व्लॉग में, नई लोकेशन, क्या शायद यही लोकेशन लेकिन नई बस्ती के साथ में। तो फिर मिलते हैं नए व्लॉग में, तब तक के लिए इस वीडियो को अगर पसंद किया है तो भाई लाइक करके ज़रूर जाना और कमेंट करना आपको जैसी भी लगी है, अच्छी लगी है बुरी लगी है कमेंट ज़रूर करना। और सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक चैनल को तो भाई क्या कर रहे हो तुम, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, अभी सब्सक्राइब करो। चलो फिर मिलते हैं नए व्लॉग में।